गुड मॉर्निंग क्लास फोर स्टूडेंट, आई एम स्टार्टिंग योर 12th चैप्टर अ पॉटर्स डंकी। तो आइए हम देखते हैं इस चैप्टर में व्हाट इज द स्टोरी, टेल अस, ये स्टोरी हमसे क्या कहती है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ डंकी, ही वॉकड फॉर अ पॉटर। द डंकी कैरीड हैवी लोड्स फॉर हिज मास्टर। हाउएवर द पॉटर वॉज वेरी क्रूएल एंड यूज टू बीट द डंकी विद अ स्टिक एवरी डे। One day the donkey's cousin who lived in a nearby village came to meet the donkey. The donkey was very pleased to see his cousin and offered him grass and barley to eat. His cousin liked to donkey place and decided to stay on for a day or two. The next day the potter put a heavy loads on a donkey's back and then started beating him with a stick. The donkey cousin had never seen such hard beating in his whole life. In the evening, the cousin asked the donkey, "My dear brother, please tell me, do you get beaten up like this every day?" Trying to smile, the donkey said, "Yes, my dear cousin, my master beats me up every day." His cousin asked, "If so, then why do not you leave your master? Why do not you run away? What is the reason? What is the charm in your stay here?" The donkey replied, "You see, the potter has a beautiful daughter." His cousin interrupted, "So what are you trying to say?" The donkey continued, "Whenever the girls make mistake or does not obey her father, the potter say, 'I will marry you off to this donkey.' You can now understand why I am staying at this place. My future is bright here. So you see." The donkey cousin burst into laughter. He could not believe what the donkey was saying. Laughing, the cousin said, "You are silly, my dear brother. The day will never come when the potter will marry off his daughter to you." कहते हैं कि एक ये एक कहानी है एक डंकी की जो किसका रहता है, एक कुम्हार का रहता है, ठीक है। तो एक समय की बात है कि वो अपने मास्टर के साथ रहता है, लेकिन उसका मास्टर जो है वो बहुत क्रूएल रहता है, मतलब बहुत निर्दयी रहता है, काम भी करवाता है उस डंकी से और उसको बहुत मारता भी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन वो जो डंकी रहता है उसका कजिन्स आता है, मतलब उसका भाई आता है, चचेरा भाई उसके पास आता है। तो वो क्या करता है, वो उसे खाने वाने को देता है, जैसे कैसे हमारे घर में लोग गेस्ट आते हैं तो हम उनका स्वागत करते, वैसे ही वो करता है। तो उसका उसका जो भाई रहता है उसको वो प्लेस पसंद आता है, तो वो सोचता है चलो एक दो दिन रह जाते हैं। तो क्या होता है, मॉर्निंग जब होती है, सुबह होती है, तो वो क्या करता है, वो पॉटर बहुत हैवी लोड्स वो डंकी के बैक्स पे मतलब रख देता है और उसके बाद उसे बहुत मारता है कि वो चले। ये देखता है उसका जो कज़न सिस्टर, डंकी का जो कज़न है, वो जो देखता है तो उसे बहुत दुख होता है कि अरे एक तो इसने इसके बैग पे इतने भारी लोड को डाल दिया है और उस पर से ये इसे कितनी निर्दयता से मार रहा है। तो जब उसका मास्टर चला जाता है तो वो अपने भाई से बोलता है कि अरे तुम यहाँ पे क्यों हो, क्या तुम्हारा मास्टर रोज तुम्हें ऐसे मारता है? तो वो हंसता है और कहता है हाँ रोज मुझे ऐसे ही मारता। तो कहता है तुम यहाँ क्यों रहते हो, तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते हो, तुम यहाँ से दूसरे जगह क्यों नहीं चले जाते हो, यहाँ तुम्हारे रहने का क्या कारण है? तो वो जो डंकी रहता है वो कहता है कि ये जो पॉटर है ना, इसकी एक सुंदर सी बेटी है। तो उसका जो मतलब कज़न रहता है वो बीच में उसको रोकता है, तो क्या उसकी बेटी है तो उससे क्या? तो ये जो उसकी तो वो फिर वो जो डंकी है वो कहता है कि वो जो उसकी बेटी है ना, तो जब भी वो कोई गलती करती है या अपने पिता का कहना नहीं मानती है तो वो जो पॉटर है ना वो कहता है ना कि मैं इसी गधे से तुम्हारी शादी करा दूँगा, ठीक है। और तो तुम समझ सकते हो कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, क्योंकि मेरा आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है। इस पर वो जो उसका कजिन रहता है डंकी का, वो बहुत हंसता है उस पर कि अरे मूर्ख, तुम ऐसा आशा करके बैठे हुए हो, ये जीवन में ये दिन कभी नहीं आएगा तुम्हारी लाइफ में कि वो जो पॉटर है वो अपनी बेटी का शादी तुमसे करेगा, ठीक है। तो ये अगर तुम सोच रहे हो ऐसा सोच के तुम यहाँ पे स्टेइंग हो और इतने जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हो, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी मूर्खता है। जीवन में ना कभी ऐसा दिन आएगा और
ना कभी तुम्हारी उसके साथ शादी, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल मैटर। नहीं तो हमें ये लेशन क्या मोरल देता है कि बी प्रैक्टिकल, डोंट वेट फॉर इम्पॉसिबल थिंग टू हैपन, प्रैक्टिकल बनिए। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास, हम कुछ नहीं कर रहे, मतलब एज अ स्टडी को छोड़ करके हम ऐसे कुछ नहीं कर रहे, सोच रहे हैं कि हम अचानक से चले जाएंगे कहाँ, स्पेस में चले जाएंगे, वहाँ पे रहेंगे, तो ये तो इम्पॉसिबल है, इट इज एन इम्पॉसिबल मैटर ना, ये तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। तो इसीलिए कहता है कि बी प्रैक्टिकल बनिए, जो आपसे हो सकता है केवल वही करें और वही होगा। इम्पॉसिबल का मतलब ऐसी चीज़ें जो कभी हो ही नहीं सकती, जैसे हम रात में आशा करें कि नहीं थोड़ा देर में तो सुबह हो जाएगा, पॉसिबल है नहीं पॉसिबल। तो लेकिन इम्पॉसिबल का मतलब ये नहीं कि जो कमज़ोर बच्चे हैं वो ये सोच के मतलब साड़ी मतलब जो भी उनका मेहनत है करना छोड़ दें कि मैं कभी भी रोल नंबर वन नहीं आ सकता हूँ, मैं कभी रोल नंबर वन के बराबर में नहीं। अरे तुम रोल नंबर वन के बराबर नहीं आ सकते हो, जितना तुम्हारा रोल है, सपोज दैट तुमने गेट किया है 60% मार्क्स, तुम मेहनत करोगे तो 70 होगा, उससे भी ज़्यादा मेहनत करोगे तो 80 होगा, उससे भी ज़्यादा मेहनत करोगे तो 90 होगा। ये इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है, लेकिन फालतू का जो नॉनसेंस वॉक है वो कभी पॉसिबल नहीं। तो नॉनसेंस में अपना दिमाग मत लगाइए, ऐसी चीज़ों में दिमाग लगाइए जिससे कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। ओके, तो खत्म हो गया हमारा चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।